नीमच में सोमवार को एक पिकअप वाहन चालक को पुलिसकर्मी ने जबरन थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वाहन चालक ने पुलिसकर्मी के इस बर्ताव पर मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार शहर के एसपी कार्यालय के समीप सोमवार को सुबह ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था। उसी दौरान जिले के कुकड़ेश्वर तहसील निवासी मनीष पोरवाल नीमच अपने निजी काम से पिकअप वाहन लेकर आए थे। जब वह एसपी कार्यालय के समीप मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे, उसी दौरान पोरवाल के वाहन से 108 एम्बुलेंस ने साइड मांगी। इस पर पोरवाल ने 108 को साइड दी। उसी समय पुलिसकर्मी ने पिकअप वाहन चालक पोरवाल को वाहन रोकने के लिए कहा, लेकिन वाहन चालक ने इशारा करते हुए आगे जाकर वाहन रोकने की बात कही। बस फिर क्या था, जैसे पिकअप वाहन चालक पोरवाल वाहन से उतरे तो पुलिसकर्मी आए और आओ देखा ना ताओ वाहन चालक के जोरदार थप्पड़ चढ़ दिए। इस पर गुस्सा वाहन चालक और साथियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और जाम लगाकर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वे लोग करने लगे। आपने मेरे किससे दी? किससे दी आपने? आपने मेरे दी आपने? क्या कानून साहब का? सर आपने मेरे डीज का कोई कारण तो होगा? आपको नहीं दी गाड़ी, क्यों रोकी आप? सर मैंने एम्बुलेंस निकालने के लिए गाड़ी को साइड देना है। सर एम्बुलेंस निकाली मैंने और सर ने मेरी गाड़ी लगाई, सर को बुलाइए एम्बुलेंस निकालना कोई गुनाह है क्या? एम्बुलेंस निकालना कोई गुनाह है क्या? सर एम्बुलेंस निकालना कोई गुनाह है क्या? नहीं 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 एम्बुलेंस निकालना, गाड़ी मार रोकी यानी रोकी है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर एम्बुलेंस निकाल भैया, गाड़ी यानी रोकी मार रोकी है भाई साहब। आपने मारा आपने मारा।